संतान की लंबी आयु और परिवार की उन्नति के लिए छठी मैया की हुई पूजा, मनाया गया छठ पर्व। डूबते सूर्य की आराधना करने बाबा घाट में श्रद्धालु महिलाओं की लगी भीड़, फिर उगते सूर्य को महिलाओं ने किया नमन। संतान की लंबी आयु और परिवार की उन्नति के लिए रविवार को बाबा घाट में डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर हजारों महिलाओं ने छठी मैया का पूजन किया। सूर्य की उपासना के इस महापर्व के लिए शहर के बिहार नदी बाबा घाट में हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए। बाबा घाट में संगीत में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। भोजपुरी संस्कृति उत्सव समिति अध्यक्ष नंदिनी तिवारी भजन की टीम के द्वारा विशेष व्यवस्था की गई। दिवाली के बाद छठ पूजा का विशेष महत्व बताया गया। मान्यता के अनुसार ये पूजा संतान की लंबी आयु और परिवार की उन्नति के लिए की जाती है, जिसमें श्रद्धालु छठी मैया की पूजा कर उनकी उपासना करते हैं। शाम को डूबते हुए सूरज की आराधना की जाती है और दूसरे दिन सुबह उगते हुए सूरज का विधि विधान से पूजा की जाती है। ये दिवाली के छठे दिन होता है, पहला दिन नहाय खाय होता है, दूसरा दिन खरना और तीसरा दिन ये छठ का अर्घ देते हैं शाम को, और सुबह उगते हुए सूरज का अर्घ देते हैं, और फिर चौथे दिन पारण हो जाता है। भगवान सूर्य भगवान की आराधना करते हैं इसमें। कितने दिन चलता है ये पर्व? चार दिन चलता है। आज कौन सा दिन है आप लोगों का? तीसरा दिन है, कल चौथा दिन है। कल सुबह हम लोग आराधना करेंगे सूर्य भगवान की। क्या क्या लगता है व्रत में? व्रत में सभी तरह के फल और सब्जियाँ लगते हैं। मेन होता है नारियल, पाइन एप्पल, ये मेन होते हैं, और एक लेमन आता है हम लोगों के घर का, वो मेन होता है। क्या नाम है आपका? रमा पाटिल। की गई है यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। यह त्यौहार दिवाली के छह दिन बाद मनाया जाता है, इसमें छठी मैया की पूजा की जाती है, इसमें बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा ही मजा आता है। हम लोग इसका इंतजार करते हैं ड्यूटी करने के लिए। क्या नाम है आपका?